अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। यूपी में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। 1 अप्रैल से ये न होने पर बकायदा चालान शुरू हो जाएंगे। वेबसाइट पर बुक कराने पर 2 सप्ताह तक ये प्लेट आ पा रही है। वाहनों की संख्या अधिक व प्राइस सर्वर धीमा होने के कारण ये विलंब हो रहा है। इसका फायदा उठाते हुए ही कई लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर हुबहू प्लेट बनाने का काला धंधा शुरू कर दिया है। बीते दिवस उत्तर प्रदेश के दिल कहे जाने वाले मेरठ में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया जो फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाकर दे रहा था। फीस आधी होने में मामूली अंतराल में उपलब्ध होने के कारण लोग इनके झांसे में भी आ रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2021 से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। ऐसे में जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 यानी 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत से पहले गैर व्यावसायिक वाहन कार बाइक स्कूटर आदि खरीदा है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लिया है तो वह 28 फरवरी 2021 तक लगवा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पाने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वेबसाइट पर वाहन मालिक सुविधा अनुसार डीलर चुनकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। रसीद दिखाकर वे अपना काम RTO ऑफिस में करा सकते हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की बढ़ती मांग की वजह से प्राय तमाम शहरों में 1 से 2 सप्ताह की वेटिंग चल रही है। इसकी वजह धीमा सर्वर और आवेदनों की बढ़ती संख्या बताया जा रहा है। इस बीच मेरठ में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 500 से ज्यादा फर्जी नंबर प्लेट में मशीनें बरामद हुई हैं। बता दें कि सरकार द्वारा अधिकृत सेंटर से बनाई गई प्लेट को स्कैन कर गाड़ी का इतिहास भूगोल जाना जा सकता है, लेकिन फर्जी तरीके से बनी प्लेट लगती हूबहू ही है, लेकिन इन्हें स्कैन नहीं किया जा सकता। सिविल लाइन थाना इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने बताया, शुक्रवार रात मोहनपुरी में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां पर वाहनों की फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बन रही थी। करीब 500 तैयार नंबर प्लेट, 50 अर्धनिर्मित प्लेट, 300 से ज्यादा खाली प्लेट, होलोग्राम मशीन आदि बरामद हुए हैं। फैक्ट्री मालिक तनुज अग्रवाल निवासी सम्राट पैलेस वे श्रीराम निवासी मोहनपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सदर बाजार थाना पुलिस ने थापर नगर गुरुद्वारे के पास फर्जी ढंग से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बेचने के आरोप में संदीप को गिरफ्तार किया है। 12 नंबर प्लेट बरामद हुई है। उसके साथ ही वसीम की तलाश जारी है। पूछताछ में तनुज अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली से खाली प्लेट खरीदता था। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो सरकार की योजना है कि इस पर लगाम लाया जाए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाया जाए, तो वो सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाया जा रहा, तो लेकिन यहाँ पर मेरठ में एक व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा था जिसके पास से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं और जो मोनोग्राम था मोनोग्राम भी बरामद हुए हैं। वो जिसको सप्लाई करता था, जिसके माध्यम से होता था, उसे भी पकड़ा गया। 2 लोग पकड़े गए, दोनों को जेल भेजा जा रहा। ऑफलाइन कितने की है और ऑनलाइन कितने की नंबर प्लेट होती है? ये जो सरकारी रेट है वो लगभग 750-800 को मिलता है और ये 300 रुपये में बनाता था, 300 रुपये में कार की और 200 रुपये में मोटरसाइकिल की। सर ये कब से कर रहे हैं कुछ पता? ये बता रहा है ये तो 1 साल से आसपास कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी लागू हुआ है, लेकिन ये जो मशीनें इसने लाया है इसका पता रहा 6 महीने से ऊपर हो गया इसको कारोबार करते हुए। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? एक जो अग्रवाल हैं, अग्रवाल जो मोहनपुरी में रहता है वही मास्टरमाइंड है, उसी के पास से मशीनें बरामद हुई हैं और उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उसके वो जहां बेचता था, जिसके यहां से आर्डर लेता था, वो भी पकड़ा गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर तो इनमें अभी कोई और भी कड़ी जुड़नी? हाँ, और लोगों को तलाशा जा रहा है कि और लोग कौन कौन लोग हैं जिसमें संलिप्त है। फैक्ट्री में विभिन्न नंबरों की डाई मिली है। खाली प्लेट पर ये डाई रखी जाती थी, हाइड्रोलिक मशीन से प्लेट दबाई जाती थी। इस तरह डाई के नंबर उस प्लेट पर छप जाते थे। प्रत्येक नंबर के ऊपर इंडिया लिखा होता है। इंडिया छपे रैपर भी दिल्ली से आते हैं। इन्हें पेस्टिंग मशीन के जरिए नंबरों के ऊपर
चिपकाया जाता था। होलोग्राम भी नकली था। होलोग्राम के नीचे इंडिया और उसके नीचे बेहद सूक्ष्म बारकोड छपा होता है। इस नकली प्लेट में सिर्फ बारकोड नहीं था, बाकी सब कुछ दिखने में असली जैसा था। बारकोड के बारे में ज्यादातर ग्राहकों को पता नहीं होता। ये लोग दुकानदारों को 300 रुपए में उपलब्ध करा रहे थे, जबकि दुकानदार 500 से 600 रुपए ग्राहकों से वसूल रहा है। वहीं सरकार द्वारा अधिकृत सेंटर की प्लेट की कीमत मॉडल के हिसाब से 1500 रुपए तक वसूली जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।